ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर में, जो कि हमारा चैप्टर है लैंड सॉयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, उसमें सेकंड जो रिसोर्स है वो सॉयल रिसोर्स है, जिसके बारे में हमको बात करनी है। सॉयल रिसोर्स क्या है, सॉयल और लैंड में क्या डिफरेंस होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लैंड क्या है। जो भी अर्थ का सरफेस है, उस अर्थ के सरफेस पे हमने पिछले लेसन में बात की थी कि 70% पार्ट पे जो है वो वाटर है और 30% पार्ट जो है वो लैंड है। तो ये जो 30% पार्ट है पूरा, इसको बोलते हैं लैंड। लेकिन लैंड में भी ऐसे एरियाज होते हैं या ऐसा पार्ट लैंड का जो कि फर्टाइल है, या जहाँ पे हम खेती करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं सॉयल। सॉयल का मतलब क्या है कि थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। लैंड जो है वो कैसा भी हो सकता है, पहाड़ी हो सकता है, पत्थर हो सकते हैं, बालू हो सकती है, कई सारी चीज़ें, सबको लैंड कहते हैं। लेकिन उस लैंड के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, ग्रेनी सब्सटेंस होता है, एक भुरभुरी सी लेयर होती है, जो कि क्या करती है कि उस लैंड पे एग्रीकल्चर करने के लिए या खेती करने के लिए हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं सॉयल। यानी कि लैंड का वो पार्ट या वो लेयर जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, उसको बोलते हैं सॉयल। थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ अर्थ, इट इज कॉल्ड सॉयल। अब सॉयल का मतलब क्या है, सॉयल में राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो कि सॉयल को फर्टाइल बनाते हैं। कोई लैंड है, उसके ऊपर वो जो पतली सी लेयर होती है, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। यानी ऑर्गेनिक मैटर्स का मतलब वो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो डिग्रेडेड हो जाते हैं और डिग्रेडेड होके ह्यूमस बनते हैं, जिसके कारण से एग्रीकल्चर की फर्टिलिटी या सॉयल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो सॉयल का मतलब यही है, वो ग्रेनी लेयर है लैंड के ऊपर का, वो लेयर जिसमें जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकता है, उसको कहते हैं सॉयल। अब सॉयल सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, सॉयल प्रोफाइल। सॉयल प्रोफाइल का मतलब, अगर हम लैंड को काटेंगे, कोई लैंड है जिसको हम ऊपर से देखते हैं, अगर उसको हम साइड से देखेंगे तो उसमें तीन चार लेयर्स दिखाई पड़ेंगी, इसी लेयर्स को बोलते हैं सॉयल का प्रोफाइल। सबसे पहले जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर हो सकता है, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पर घास फूस होती है, वो सबसे ऊपर की लेयर होती है, उसको बोलते हैं टॉप सॉयल। टॉप सॉयल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। टॉप सॉयल में ह्यूमस होता है, क्योंकि जो भी मिनरल्स है, जो भी बैक्टीरियाज हैं, वो सारे ऊपर के सॉयल में ही पाए जाते हैं, और उन्हीं बैक्टीरिया के कारण से वो जो लेयर है वो क्या कर सकती है, वेजिटेशन को, जो भी वनस्पति है उसको ग्रो करने में हेल्प करती है। उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है, उसको सब सॉयल बोलते हैं, विथ सैंड सिल्ट एंड क्ले। उस लैंड को अगर हम थोड़ा सा, सॉयल को हम थोड़ा सा और खनेंगे, तो उसके नीचे जो लेयर आती है वो, उसमें सैंड होते हैं, सिल्ट होता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस कम मात्रा में होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, और क्ले वो मिट्टी होती है, जिसको हम सब सॉयल बोलते हैं। अगर उससे नीचे जाएंगे तो वेदरिंग रॉक्स मटेरियल होते हैं, मतलब कि कोई जो सॉयल बनती है वो कैसे बनती है, रॉक्स जो हैं उसका अपक्षय होता है। रॉक्स जो कोई पत्थर है, वो धीरे धीरे टूटते हैं, टूट टूट के वो ग्रेनी लेयर, ग्रेनी सब्सटेंस में चेंज होते हैं, रेत में, बालू में, मिट्टी में चेंज होते हैं, धीरे धीरे टूट टूट के। तो वो जो थर्ड लेयर होती है, उसमें उसी रॉक्स का मटेरियल होता है, या टूटी हुई वो रॉक्स होती है। और उसके सबसे लास्ट जो हमारा चौथा लेयर होता है, उसको बोलते हैं पेरेंट रॉक। यानी कि वो रॉक ऐसा, वो जो पत्थर है, जिन्हीं जो पत्थर को टूट के, जिनका वेदरिंग होके वो वेदरिंग रॉक मटेरियल बनाया, फिर उसी से सॉयल बनाया, और उसी से टॉप सॉयल बनाया। तो ये टोटल चार लेयर होती हैं, इनको हम बोलते हैं सॉयल प्रोफाइल। वेदरिंग का मतलब क्या है, द ब्रेकिंग ऑफ एंड डीके ऑफ एक्सपोज रॉक्स। एक्सपोज रॉक्स कैसे, विद द यूज ऑफ टेम्परेचर, क्लाइमेट, रेनफॉल। जब बारिश होती है तब वो पत्थर टूटता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है, तो उसके कारण से वो पत्थर धीरे धीरे जो है उसका टूटना स्टार्ट होता है, उसका अपक्षय होता है, उसी को हम बोलते हैं वेदरिंग या अपक्षय। तो ये हो गया टोटल सॉयल प्रोफाइल। सॉयल प्रोफाइल का मतलब वो चार लेयर्स होती हैं सॉयल में। सबसे टॉप लेयर होती है जिसमें कि ह्यूमस होता है, और ह्यूमस क्या करता है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और वो लेयर जो है वो वेजिटेशन को या वनस्पति को सपोर्ट करती है, या वही लेयर होती है जिसपे कुछ उगाया जा सकता है। उसके बाद सब सॉयल आती है, फिर आता है वेदरिंग रॉक मटेरियल, और थर्ड में आता है पेरेंट रॉक। यानी कि जो वो ये पेरेंट रॉक क्या करता है, इस सॉयल के कलर को, इसके मिनरल कंटेंट को डिसाइड करता है। अगर हम बात करें कि कोई ऐसा ऐसा पत्थर है जो कि लावा से बना हुआ है या मैग्मा से बना है, तो वो पत्थर काफ़ी कठोर सा होगा, उसमें ढेर सारे मिनरल्स होंगे। तो अगर वो उस रॉक का अपक्षय होगा, या वो रॉक धीरे धीरे वेदर टूटेगी, तो वो रॉक क्या करेगी, जिस तरीके का उस रॉक का कलर होगा, लावा जो है वो धीरे धीरे जब
ठंडा होता है तो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये जो ऊपर की जो सॉयल है, ये जो मिट्टी है, वो किस कलर की होगी? ब्लैक कलर की होगी। तो जिस तरीके की मिट्टी होती है, वो डिपेंड करता है उसके पेरेंट रॉक पे, या किस तरीके के रॉक्स का वेदरिंग हुआ है। तो इसी कारण से वो जो रॉक होती है उसको बोलते हैं पेरेंट रॉक, यानी कि उसी ने क्या किया है, उस तरीके के सॉइल को फॉर्म करने में मदद की है। अब ये तो पेरेंट रॉक एक तरीका हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को हेल्प करते हैं? वैसे बात करते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर के आसपास सॉइल बननी है, धीरे धीरे सॉइल के बनने में काफ़ी टाइम लगता है। हो सकता है 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएं। तो हमारे लिए सॉइल जो क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारे लिए ढेर सारी चीज़ें उगाने में हेल्प करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा रिसोर्स हो गया। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में करोड़ों साल लग गए, तो हम उसको बर्बाद तो कर नहीं सकते हैं, उसकी फर्टिलिटी को हम कर नहीं सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ढेर सारे वो जो सॉयल है वो धीरे धीरे बहकर कहीं और चला जाए, उसका अपरदन हो जाए, सॉयल जो है इरोजन हो जाए। तो उसको बचाना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सा रिसोर्स है। अगर सॉयल नहीं होगी तो हम कुछ भी ज़मीन पे उगा नहीं पाएंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉयल के फॉर्मेशन को हेल्प करते हैं? इसमें टोटल बात करते हैं 1, 2, 3, 4 5, 5 फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला है पेरेंट रॉक, जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया। पेरेंट रॉक क्या करता है? उसके कलर को डिसाइड करता है, उसके टेक्सचर को डिसाइड करता है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे और कौन कौन से केमिकल्स पाए जाएंगे। उन चीज रॉक में कौन सा मिनरल पाया जाएगा, उसमें पोटेशियम होगा, फॉस्फोरस होगा, ढेर जिंक होगा, आयरन होगा, कौन सी सब्सटेंस होंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा? इस रॉक पर डिपेंड करेगा कि इसमें कौन सा सब्सटेंस है, इसमें कौन सा मिनरल है, क्योंकि इसी का टूटने से हम वो सॉयल बन रही है। सेकंड जो है रिलीफ, अगर कहीं पे सॉयल बनना है तो उसके लिए एक प्लेन एरिया चाहिए होगा, यानी कि वो ऊंचाई, वो रिलीफ, वो स्लोप जो है वो डिसाइड करेगा कि सॉयल कितना मोटा बनेगा। अगर हम बात करें कि कोई ऐसा एरिया है जो स्लोपी एरिया है, तो यहाँ पर जब भी सॉयल बनने की कोशिश करेगी, तो अगर ऊपर से बारिश होती है या पानी आता है, तो ये सॉयल जो है वो धीरे धीरे बह के नीचे चली जाएगी, जिसके कारण से यहाँ पर सॉयल की जो लेयर है वो काफ़ी पतली हो गई, या कई सारे एरियाज में सॉयल जो है यहाँ पर बन ही नहीं पाएगा। तो ये जो स्लोप है, अगर कोई ऐसा स्लोप है, फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पर सॉयल की परत जो है वो काफ़ी मोटी होगी, क्योंकि कहीं से जहाँ से भी सॉयल जो है आएगा, वेदरिंग रॉक बह के आएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर होंगी, जिसके कारण से यहाँ पर सॉयल की लेयर जो है काफ़ी मोटी होगी, और यहाँ पर सॉयल की लेयर जो है, इस स्लोप पर सॉयल की लेयर जो है वो काफ़ी कम होगी। तो ये जो लेयर है, ये जो स्लोप है, ये क्या करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉयल, या सॉयल के डिपॉजिट्स को, सॉयल की लेयर को, सॉयल की मोटाई को डिसाइड करता है। तो वो भी एक फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर है फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेजम। फ्लोरा फौना का मतलब क्या हुआ, जो भी छोटे माइक्रो ऑर्गेजम्स हैं, जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो धीरे धीरे जमीन में डिके होते हैं या सड़ते हैं, और फिर उसके कारण से ऑर्गेनिक मैटर बनता है, तो ह्यूमस बनता है। ये सारी चीज़ें सड़ती हैं, जिसके कारण से एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करती हैं, और सॉयल की फर्टिलिटी को, या सॉयल की फर्टिलिटी को डिसाइड करती हैं कि कौन सा सॉयल फर्टाइल होगा, कौन सा सॉयल फर्टिलाइज नहीं होगा, उसमें क्या चाहिए होगा, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होगा, वो जैविक पदार्थ चाहिए होंगे। तो फ्लोरा फौना माइक्रो ऑर्गेजम जो है वो क्या है, एक टाइप के जैविक पदार्थ हैं, जो कि सॉयल में ह्यूमस के एक्यूमुलेशन का, या ह्यूमस कितनी मात्रा में होगा उसको डिसाइड करते हैं। और जो अगर ह्यूमस ज़्यादा होगा तो फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, उस बात को भी डिसाइड करते हैं। टाइम की बात हमने क्यों की कि 1 सेंटीमीटर सॉयल को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, यानी कि सॉयल के बनने में टाइम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम जितना उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा, उतनी अच्छी से वो सॉयल बनेगा। कोई आज के टाइम में जिस जमीन पे या जिस सॉयल पे हम खेती करते हैं, उन सारे सॉयल्स को बने में करोड़ों वर्ष हुए हैं, तब हम आज उसको खेती कर पा रहे हैं। और अगर हमने सॉयल इरोजन करके उस सॉयल को खत्म कर दिया, तो फिर हम अपने पूरे लाइफ स्पैन में उस पर दोबारा खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसको बढ़ने में करोड़ों साल लगेंगे। करोड़ों साल तक हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये क्या कर सकता है, सॉयल के थिकनेस को डिसाइड करता है। जितनी देर में सॉयल, जितना टाइम उसको मिलेगा, उतनी मोटाई में सॉयल, या उतने थिकनेस में सॉयल बनेगा। और जो इम्पोर्टेंट सा और फैक्टर है, वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या है, टेम्परेचर। कहीं पर कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो, कहीं कभी टेम्परेचर कम हो, तो वो क्या करेगा, उस पेरेंट रॉक्स को टूटने में हेल्प करेगा, उसकी वेदरिंग को में हेल्प करेगा। रेनफॉल होगी, बारिश होगी, कांस्टेंट बारिश होगी, तो पानी की बूंदों से वो जो पेरेंट रॉक है वो टूटेगा, टूट के बह के आएगा। अगर ऊंचाई से कहीं बह के आएगा, तो किसी एक एरिया में वो डिपॉजिट होगा, जिसके कारण से वहाँ पर धीरे धीरे सॉयल बनेगी।
तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं, वेदरिंग को और ह्यूमस के फॉर्मेशन को, जो क्लाइमेट है वो भी हेल्प करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कोई ऑर्गेनिक मैटर है वो जल्दी से सड़ गल जाएगा, जल्दी से सड़ गल के जल्दी से ऑर्गेनिक मैटर में चेंज हो जाएगा और ह्यूमस के फॉर्मेशन को हेल्प करेगा। और कहीं पर टेम्परेचर बिल्कुल कम है, ठंडी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो काफ़ी कम सड़ेगा। जैसे किसी फ्रिज में हम टेम्परेचर कम रहता है, कोई सामान रखते हैं तो क्यों रखते हैं, जिससे कि वो काफ़ी उसके ख़राब होने का टाइम जो है वो बढ़ जाए। तो अगर टेम्परेचर कम है तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कुछ सड़ने में या गलने में, टूटने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो वो क्या करेगा, ह्यूमस के फॉर्मेशन को हेल्प नहीं करेगा, ह्यूमस के फॉर्मेशन को और प्रोसेस को और स्लो कर देगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, सॉयल प्रोफाइल क्या है और सॉयल के फॉर्मेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो हमारे काम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कि सॉयल का डिग्रेडेशन कैसे होता है, सॉयल डिग्रेडेशन कैसे होता है, और उस सॉयल डिग्रेडेशन को हम कैसे रोक सकते हैं या कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं उसका, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉयल को, जो अब बात लगभग लगभग सेम है, जो फैक्टर्स लैंड के डिग्रेडेशन को या लैंड को कम कर सकते हैं नॉर्मली, लगभग लगभग वही सारे फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, सॉयल के डिग्रेडेशन को भी हेल्प करते हैं। और सॉयल को, उस लेयर को बचाने के लिए जो कंजर्वेशन के मेथड्स हैं, उसमें कई सारे 4 5 6 तरीके के मेथड्स हैं जिसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। सॉयल के डिग्रेडेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हेल्प कर सकते हैं, सबसे पहला तो है डिफॉरेस्टेशन। अगर हम किसी ज़मीन से पेड़ पौधे काट देंगे तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उनके जो नीचे जड़ होती है, जो रूट होती है, वो मिट्टी को आपस में बांधे रखती है। तो अगर उस पर बारिश होती है या पानी आता है तो मिट्टी जो है उसको बहने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिससे सॉयल जो है वो काफ़ी सेफ रहता है। लेकिन अगर हमने किसी एरिया के सारे पेड़ पौधे काट दिए, डिफॉरेस्टेशन कर दिया उसका, तो वो जो मिट्टी है वो काफ़ी ढीली हो जाए, क्योंकि अब उसको बांध के रखने के लिए, उसको पकड़ के रखने के लिए कोई भी रूट अवेलेबल नहीं है। तो अगर उस पर हल्की सी भी बारिश होगी, अगर वो मिट्टी सूख गई और काफ़ी तेज़ी से भी हवा चलेगी, तो वो जो सॉयल जो है वो ग्रेनी लेयर क्या करेगी, उड़ के या बह के कहीं और चली जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन का मतलब मृदा का अपरदन हो रहा है, वो जो परत है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो उस कैसे खत्म हो रही है, डिफॉरेस्टेशन से हो सकती है, वो ओवर गेजिंग से हो सकती है। जब भी हम जीव जंतुओं को खाने के लिए, जीव जंतु को खिलाने के लिए ले जाते हैं किसी एरिया, ऐसे एरिया में जहाँ पर घास लगी हुई है, तो घास भी क्या कर सकती है, अगर काफ़ी मोटी घास की परत है तो वो भी सॉयल को आपस में बांधे रखेगी। और अगर उस पूरी घास को या पूरे परत को जो भी जीव जंतु हैं उन्होंने खा लिया, तो वहाँ के भी सॉयल जो है वो काफ़ी ढीली हो जाएगी, और उसके कारण से उसका भी इरोजन काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा। थर्ड जो है, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो ज़मीन के कंपोजिशन को, उसके मिनरल्स को, उसके ह्यूमस के कंपोजिशन को चेंज करके फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा हम जब केमिकल्स का यूज़ कर लेते हैं तो उस सॉयल को और तरीके से काफ़ी नुकसान करने लगते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो सॉयल की फर्टिलिटी को या सॉयल के ऑर्गेनिक मैटर्स को और कम कर देती हैं, जिसके कारण से वो उस सॉयल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। और उस सॉयल की फर्टिलिटी कम हो गई तो फिर हमारे काम का रह नहीं जाएगा, यानी कि सॉयल का डिग्रेडेशन हो गया, या सॉयल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी धीरे धीरे कम हो गई। फोर्थ जो है रेन वॉश। रेन वॉश का मतलब वही हो गया कि काफ़ी ज़्यादा बारिश से, और अगर वो मृदा जो है किसी स्लोप पे है या वहाँ पे पेड़ पौधों की कमी है, तो धीरे धीरे वो सॉयल की जो लेयर है वो बह के कहीं और चली जाएगी, और वो एरिया जो है वो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। और जो पॉइंट है वो है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड से जैसे लैंड का डिग्रेडेशन होता है, वैसे ही सॉयल का भी डिग्रेडेशन होता है, उस एरिया की जो ज़मीन है वो धस जाती है या बह के कहीं और चली जाती है। तो इन सारी चीज़ों से सॉयल का जो इरोजन है, जिससे सॉयल बहे नहीं, सॉयल की जो लेयर है उसकी परत कम ना हो या उसकी मोटाई कम ना हो, उन सारी चीज़ों के लिए हम फिर टेक्निक्स लेकर आते हैं। कौन सी टेक्निक्स हैं, कंजर्वेशन की टेक्निक्स। कंजर्वेशन की टेक्निक्स में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, पहला है मल्चिंग। चूँकि बुक में एनसीईआरटी बुक में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, मल्चिंग, कंटूर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फॉर्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कंटूर प्लगिंग एंड सेल्टर बेड्स, ये डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स हैं जिनका लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिससे कि सॉयल के इरोजन या सॉयल का डिग्रेडेशन जो है वो कम हो जाए। अब ये कौन कौन सी टेक्निक्स है उसके बारे में बात करेंगे।